कोविड-19 संक्रमण के कारण मौतों में वृद्धि से शमशान घाटों में लोगों को तरह तरह की परेशानियों से रूबरू होने के मौका मिलता है। उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने मारवाड़ी शमशान घाट, बरमसिया और पचम्बा शमशान घाट का निरीक्षण किया। डीसी ने कोरोना पीड़ित मृत व्यक्तियों का शव जलाने के लिए स्थानीय युवाओं की प्रशंसा की। जिले भर में दर्जन भर से ऐसे अधिक मामले आए हैं जब कोरोना संक्रमित व्यक्ति को मौत के बाद लोग अंतिम संस्कार नहीं कर रहे हैं, वैसे शवों का अंतिम संस्कार कोरोना वॉरियर्स कर रहे हैं। उपायुक्त ने शमशान घाट में कार्य कर रहे कोरोना वॉरियर्स से सुविधाओं, समस्याओं और उन्हें होने वाली परेशानियों से अवगत कराया है। मुखर संवाद के लिए गिरिडीह से ब्यूरो रिपोर्ट। शमशान घाट में काफ़ी सारे दाह संस्कार वर्तमान में हो रहे हैं और यहाँ पर सुविधाओं को बढ़ाए जाने के लिए स्थानीय लोगों के द्वारा अनुरोध किया गया था, जैसे कि चापाकल खराब है, एक अलग प्लेटफॉर्म जहाँ पर भी दाह संस्कार किया जा सके तथा यहाँ पर जितने भी कोरोना वॉरियर्स दाह संस्कार में मदद कर रहे हैं सभी के लिए उचित व्यवस्थाएँ, जैसे कि पीपी किट, अगल बगल में दवाइयों की दुकान, तो उन सभी अनुरोध को अभी इम्प्लीमेंट करने के लिए दिशा निर्देश सभी संबंधित अधिकारियों को दिया जाएगा ताकि यहाँ पर उचित सुविधाएं सभी लोगों को उपलब्ध हो जाए और किन्हीं को भी आगे के दाह संस्कार में या क्रियाकर्म में किस तरह की परेशानी नहीं हो। के सभी नागरिकों से ये अपील करना चाहता हूँ कि अगले वर्ष जैसा लॉकडाउन लगा था और कोरोना चेन को ख़त्म करने में मदद किए थे, उसी प्रकार चूँकि ये संक्रमण बीमारी है कोरोना, एक दूसरे लोगों से फैलने की संभावना रहती है, वैसी स्थिति में मेरा यह अपील होगा कि सभी लोग घरों में रहें, सुरक्षित रहें और ये स्वास्थ्य सप्ताह जो मनाने का सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है उसमें पूर्ण सहयोग करें और स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। जब टूटती है आप, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।